नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एंटरटेनमेंट विला पर। हम यहाँ पे हॉलीवुड और बॉलीवुड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर एंड रोमांटिक मूवीज के बारे में, जिसे आपको एक बार तो देखनी ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल एक आगामी हिंदी फिल्म है जो 24 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है और इसमें जाह्नवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदी और मनीष विज मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म में जाह्नवी कपूर को एक IAF पायलट गुंजन सक्सेना की भूमिका में दिखाया गया है, जो श्री विद्या राजन के साथ युद्ध में पहली महिला और भारतीय महिला पायलट है। 83 एक आदमी हिंदी फिल्म है जो 10 अप्रैल 2020 को रिलीज होने वाली है। फिल्म का निर्देशन कबीर खान द्वारा किया गया है और इसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अमी विर्क और जीवा मुख्य किरदार निभाएंगे। कहानी इंडिया के महान खिलाड़ी कपिल देव के ऊपर है। दिल बेचारा एक अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म है जो मुकेश छाबड़ा द्वारा निर्देशित एज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो जॉन ग्रीक के 2012 के नोवल द फ्लोट इन एवर स्टार के ऊपर बेस्ड है। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत, डेब्यू एक्टर कांटा, सज्जना साखी और सैफ अली खान है। फिल्म को 8 मई 2020 को रिलीज किया जाएगा। लूडो 24 अप्रैल 2020 को रिलीज होने वाली एक आगामी हिंदी फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग बासु ने किया है और इसमें अभिषेक बच्चन, राजकुमार रॉय, आदित्य रॉय कपूर और पंकज त्रिपाठी मुख्य किरदार निभाएंगे। लूडो में 4 अलग अलग स्टोरी होगी जो एक अलग कहानी के चारों ओर घूमती है। द गर्ल ऑन द ट्रेन एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की रहस्य थ्रिलर फिल्म है जो विभु दास गुप्ता द्वारा निर्देशित और रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्मित की गई है। यह उसी नाम की 2016 की अमेरिकन फिल्म का रीमेक है एंड उसी नाम के ब्रिटिश लेखक पाउला हॉकिंस के 2015 के नॉवल पर आधारित है। फिल्म में परिणीति चोपड़ा एक शराबी तलाकशुदा की भूमिका निभा रही है जो एक लापता व्यक्ति की जाँच में उलझ जाती है। फिल्म को 8 मई को रिलीज किया जाएगा। हाथी मेरे साथ एक आगामी हिंदी फिल्म है जो 2 अप्रैल 2020 को रिलीज होने वाली है। यह फिल्म प्रभु सोलोमन द्वारा निर्देशित होगी और इसमें राणा दुर्गावती, पुलकित सम्राट, जोया हुसैन और श्रिया पुलगामा की मुख्य भूमिकाओं में होंगे। फिल्म को एक साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में अलग अलग भाषाओं में शूट किया जा रहा है। फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक कॉर्पोरेट विशाल जंगल और हाथियों के इकोसिस्टम को नष्ट करने की धमकी देता है, बट मिट्टी का एक बेटा जंगल का रक्षक बनता है और हाथियों और जानवरों एक झुंड में आके उसके बचाव में आते हैं। यह फिल्म दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना के लिए एक श्रद्धांजलि है, लेकिन इसमें पूरी तरह से ताजा कहानी है। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक कीप एंटरटेनिंग।